दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सैम टेक्निकल पर। दोस्तों आज आपके लिए एक और लोन की ऐप लेकर आ चुका हूं, बिल्कुल नई ऐप है। उसके अंदर से आपको किस तरीके से लोन मिलेगा, क्या उसका प्रोसेस है, सारा का सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाऊंगा। वीडियो को पूरी लास्ट तक के देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा भाई किस तरीके से आपको लोन मिलेगा और क्या क्या उसका प्रोसेस है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं उस ऐप के बारे में और उसके सारे प्रोसेस के बारे में। उससे पहले जो हमारे भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे कि आप सबको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे और आप उसका बेनिफिट लेते रहें। तो भाई मैंने यहाँ पर जो आप लोगों को होम क्रेडिट और मन्नापुरम के बारे में जो बतलाया था, यहाँ पर कई भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि हाँ भाई यहाँ पर जो है होम क्रेडिट ऐप जो है यहाँ पर हमारा जो है अमाउंट चार्ज काट रही है, यहाँ पर जो है हमारे अमाउंट अकाउंट के अंदर से 590 रुपीज़ के आसपास है जितने भी उनके अकाउंट से हुए तो वो हमारे अकाउंट से डिटेक्ट हो चुके हैं। तो भाई यहाँ पर ईएमआई वाले जितनी भी ऐप चल रही है ना इस टाइम पर प्ले स्टोर के अंदर, चाहे वो मोबीक्विक हो चाहे कोई सी भी हो, धड़ल्ले से फ्रॉड कर रही हैं, धड़ल्ले से हमें लूट रही हैं, चेक पे चेक लगाई जा रही हैं। आप चाहे वहाँ से आपने मोरेटोरियम लिया है या आपने कुछ भी लिया है, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका क्या काम है कि अगर बंदे के अकाउंट में पैसे होंगे तो आ जाएंगे, नहीं होंगे तो क्या है, चार्ज तो उसके लगना है, हमारा तो कुछ जाना नहीं है। तो ये कंपनियों ने धड़ल्ले से चला रखा है ये काम। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए अगर किसी के पेमेंट नहीं जा रही है तो बेकार है चार्ज लगवाना अपने ऊपर, क्योंकि ये लोग तो मानेंगे नहीं, चार्ज लगेगा और आपका सिबिल भी ख़राब होगा। और कई भाइयों ने मुझसे पूछा था कि भाई स्टेशपिन ऐप यहाँ पर हमारा सिबिल स्कोर ख़राब कर सकती है क्या, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो स्टेशपिन ऐप से लोन ले रखा है बट वहाँ पर रिपे नहीं किया है। तो भाई मैं आपको बतला देता हूँ भाई, स्टेशपिन ऐप भी आपका लोन जो है ख़राब कर, आपका जो है सिबिल ख़राब कर सकती है, क्योंकि जब आप पैसा बाजार या किसी ऐप के अंदर जाके अपना पैन कार्ड वगैरह डाल के सिबिल अपना चेक करेंगे और अपनी सिबिल रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्टेशपिन ऐप का भी वहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई आपने इस ऐप से कितना लोन ले रखा है। तो भाई ये डिटेल है, देखिए इसको आपको समझ लेना पड़ेगा तो ही आपको बेनिफिट है, अदरवाइज़ आप लोगों को नुकसान में आ जाएंगे आप, फ़ायदा कुछ नहीं है। इतना आप लेंगे नहीं जितना आपको देना पड़ेगा, ऊपर से साथ में आपको क्या नुकसान होगा, साथ में आपके सिबिल का भी नुकसान होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है कैशबिन ने भी यहाँ पर बहुत आप क्या कर रखा है, कैशबिन ऐप भी आपको लोगों को यहाँ पर सिबिल रिपोर्ट सेंड कर रही है लोगों की, तो उससे भी आपको बच के रहना है। तो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ऐप जो इस टाइम पे यही काम कर रही है, तो मेरे भाई आपको बच के रहना है इस तरीके से। आप जो टाइम पे पेमेंट कर दीजिए, चाहे वो कोई सी भी ऐप हो, ईएमआई वाले तो जितनी भी, चाहे वो मोबीक्विक हो, चाहे वो होम क्रेडिट हो, चाहे वो आपकी बजाज हो, चाहे वो आपकी धानी ऐप, इनकी आप टाइम पे पेमेंट कर दें, वरना तो आपको 1000 के आसपास चार्ज लगना 100%, मैं बता रहा हूँ 100% आपका चार्ज लगेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ और उस ऐप के बारे में बतलाता हूँ भाई। तो भाई मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, आप इन ऐप के अंदर से अगर लोन ले रखा है तो पेमेंट कर दीजिए, वरना आपका चार्ज भी लगेगा, साथ के साथ आपको जो है सिबिल भी आपका डाउन होगा और बाकी लोन आपको कहीं से फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो भाई ऐप के अंदर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर इसके अंदर आपको सबसे पहले इसके अंदर अपना मोबाइल नंबर डाल के इसके अंदर जो आपको वेरीफाई करवाना है, उसके बाद चलिए होम पेज पर चलता हूँ, यहाँ पर मोबाइल नंबर फटाफट डाल देता हूँ मैं। तो भाई ऐप के अंदर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो इसके अंदर आपको यहाँ पर जो अपने आपको करनी है, यहाँ पर आपको अपनी यहाँ पर आपको देनी है डिटेल आधार कार्ड की और पैन कार्ड की। सबसे पहले आपको आधार कार्ड का बैक और फ्रंट साइड का फ़ोटो डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड का फ्रंट साइड का फ़ोटो सबमिट करना है। चलिए मैं इसे फटाफट सबमिट करता हूँ। तो भाई यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर जो अपना जो आईडी वेरीफाई करवा देते हैं, उसके बाद आपको फेस वेरीफाई करवाना होता है, तो यहाँ पर मैं फटाफट इसको भी सबमिट कर देता हूँ। तो भाई उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी मैरिज स्टेटस डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, लोन आपको किस लिए चाहिए, एजुकेशन आपकी क्या है, रिलीजन आपका क्या है, प्रोफेशन आपका क्या है, मंथली इनकम आपकी क्या, ईमेल आईडी वगैरह, उसके बाद आपको नीचे अपना यहाँ पर करंट एड्रेस सबमिट करना है। बैंक स्टेटमेंट इसके अंदर ऑप्शनल है, यहाँ पर जो है इसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं फटाफट इसको सबमिट करता हूँ। तो भाई यहाँ तक के कंप्लीट कर लिया है मैंने। यहाँ पर बहुत सारे भाई जो मुझसे कह रहे थे कि भाई यहाँ पर इसके ऐप के अंदर जो है बैंक स्टेटमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, भाई बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शनल है वो, तो वहाँ पर आप ना ही डालें, क्योंकि उसकी जिस चीज़ को ऑप्शनल है उसको आपको डालने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो आप। तो यहाँ पर वो ऑप्शनल है, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो उससे आपके लिमिट इंक्रीज़ होगी ना ही डिक्रीज़ होगी। अगर आपका सिबिल है तो आपको लिमिट मिलेगी, अगर नहीं है तो भैया नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है।
प्ले स्टोर पे भी आप इस ऐप के जो है रिव्यू अगर पढ़ेंगे तो सिंपल यहाँ पर सिर्फ यही लिखा हुआ होगा भाई इस ऐप के अंदर जो है हमें जो है बैंक स्टेटमेंट सबमिट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा। आपको यहाँ पर अब जो यहाँ पर अपने रिलेटिव के 2-3 नंबर देने हैं, फेसबुक वगैरह ये ऑप्शनल है, आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर हमारी सारी डिटेल सबमिट हो चुकी हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई है। यहाँ पर जो इस ऐप के अंदर जो बैंक स्टेटमेंट की प्रॉब्लम लोग बाग बतला रहे थे, तो बैंक स्टेटमेंट की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर चलिए भाई मैं वापसी आता हूँ। तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल सबमिट कर ली है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग में 3000 रुपये तक का लोन यहाँ पर मिलता है, उसके बाद 3500 का मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपकी जो है लिमिट इंक्रीज़ होती जाती है। अप्लाई नाउ पर आता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट डालना है, यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अकाउंट नंबर डालना है, एफएससी कोड डालना है। चलिए मैं इसको सबमिट कर देता हूँ फटाफट। तो भाई यहाँ पर हमने अपना बैंक अकाउंट वगैरह डाल दिया है, सेव इसको मैं करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया योर इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन कम्प्लीट, ओके करता हूँ मैं इसको। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर लोन कितने दिन के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको 3000 रुपये तलक का लोन है, यहाँ पर सर्विस फीस आपकी जो 600 रुपये है, आपको जो लोन मिलेगा वो यहाँ पर आपको मिलेगा भाई 2292 रुपये, लगभग यहाँ पर आपको 2300 रुपये के आसपास लोन मिलता है। नेक्स्ट स्टेप पर करता हूँ मैं क्लिक, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना साइन करना है, तो मैं फटाफट साइन करता हूँ। चलिए यहाँ पर आपको दिखला देता हूँ भाई फटाफट। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट इट नाउ पर कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर आपके सारे डिटेल सबमिट हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ घंटों के अंदर यहाँ पर आपको पता चल जाएगा भाई आपको लोन यहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब चलते हैं प्ले स्टोर पर, वहाँ पर इसके रिव्यू और रेटिंग के बारे में भी आपको डिटेल दे देता हूँ। तो भाई यहाँ पर आ चुका हूँ मैं प्ले स्टोर के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हिसाब से कितना लोन मिलता है, 30000 रुपये तक का ये ऐप लोन प्रोवाइड करवाती है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 7 दिन का लोन मिलेगा भाई, अगर आपको अर्जेंट ही रिक्वायरमेंट हो। अगर अर्जेंट रिक्वायर्ड हो आपको तो ही यहाँ पर लें आप, अदरवाइज़ कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगभग आपको 7 दिन के लिए 700 रुपये तलक का आपको देने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। तो यहाँ पर आपको